रंगला टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हाँ सुखप्रीत सिंह। बीते दिनों तो सोशल मीडिया के उत्ते एक तस्वीर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसका काफ़ी लोगों वालों मजाक भी उड़ाया जा रहा है। दरअसल अखबार की एक कटिंग वायरल हो रही है, एक खबर वायरल हो रही है, जिस दे विच एक व्यक्ति चोरी की रिपोर्ट लिखवाउन गया सी, पर जिस वाहन ते चोरी की रिपोर्ट लिखवाउन गया थाने दे बाहरों उही चोरी हो गया। बेशक इस खबर नूं सुन के हादसा आ रहा होएगा, पर यह कितने ना कितने प्रशासन के उत्ते भी सवाल खड़े करता है कि जेकर थाने दे बाहरों ही चोरियां होण गईआं तां फिर चोरां दे जिहड़े हौसले आ किस कदर बुलंद ने, यह तुसीं भी सोच सकदे हो कि जेकर थाने दे बाहरों इस तरीके नाल चोर जिहड़ा वारदातां नूं अंजाम दे सकदे ने तां फिर आम लोकां दे नाल किंज बीतदी होएगी। दरअसल मामला सामने आया जी चमकौर साहब तों, जो खबर वायरल हो रही है उस दे विच चमकौर साहब का मामला है, जिथे एक व्यक्ति बकरी चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाउण लई थाने विच गया सी। जदों थाने दे विच उस नूं कुछ समां लगदा है तां बाहर आउंदा है, बाहर आके देखदा है कि उसका जिहड़ा मोटरसाइकिल है वह भी उत्थे नहीं हुंदा। सोचो जो एक व्यक्ति बकरी चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाउण गया होएगा तां उसके उत्ते की बीती होएगी। हो सकदा है कि उसकी रोजी रोटी का दोनों चीज़ां साधन होण, पर लोग सोशल मीडिया तो इस खबर को वायरल कर रहे हैं और मजाक के तौर पर लै रहे हैं। पर इतने सोचने वाली गल यह है कि जेडे चोरों के हौसले ने किस कदर बुलंद ने कि थाने के बाहरों ही चोरी कर रहे हैं और शहर के सीसीटीवी कैमरे लगे होने का भी चोरों को कोई डर दिखाई नहीं दे रहा। तो हुण इतने प्रशासन के उत्ते भी सवाल खड़े हुए हैं कि जेकर थाने दे बाहरों इस तरीके ना चोर वारदातों नूं अंजाम दे रहे ने तां फिर आम लोकां दे घरां बाहर खड़े वाहन किस तरीके किंज सुरक्षित हो सकते हैं। सो इत्थे प्रशासन ते भी कितें ना कितें सवाल खड़े हो रहे हैं। तो हुण इत्थे उस गरीब का भी जरूर जिक्र करना बनता है कि उसके उत्ते की बीतरी होगी। शुकरदीन नाम है जिस व्यक्ति दे नाल ये घटना वापरी है, चमकौर साहब तो मामला सामने आया है। तुहाडे की विचार ने, तुसी इस मामले नूं किस तरीके नाल देखदे हो, वह भी सानूं कमेंट्स राहीं जरूर साझा करना और वीडियो नूं शेयर भी करना ताकि प्रशासन तक उस व्यक्ति की आवाज़ पहुँचे, उस गरीब की आवाज़ प्रशासन के कन्नां तक पहुँचे तो उस गरीब नूं इंसाफ मिल सके।